सिंगर एक्टर तो बनना चाहता है लेकिन पूरी तरह एक्टर नहीं बन पाता है एक हीरोइन के लिए खुद को स्टैब्लिश किए रखना अपनी शर्तों पर काम करना कितना मुश्किल है बहुत मुश्किल है पूरी एक दिशा में लोग चल रहे हैं एक तरफ चल रहे हैं और उससे एकदम कट के ऑपोजिट आपको चलना है तो आपको अकेले ही चलना पड़ेगा कि अगर मैंने कदम एक उठा लिया तो मैं उस पर ही चलूँगी रात में जब सोती हूँ ना बहुत चैन से बहुत सुकून की नींद ले पाती हूँ क्योंकि ऐसा लगता है कुछ भी इधर नहीं है सालों पहले से मैंने कमेंट्स देखना छोड़ दिया चंद बेवकूफों के बीच में जो हमारे अच्छे लोग हैं उनको कैसे मिस कर दो शुरुआत में मुझे बहुत फर्क पड़ता था क्यों किसी ने कुछ कह दिया तो मैं डर के रूम में बंद हो जाती थी थोड़ी देर के लिए इफेक्ट की थी वो चीजें और मैंने जब पापा ने पूछा क्या हो गया देखिए अभी ऐसी ऐसी बातें आ गई पापा क्या टुच्चो में पड़ी हो इन की बातों में पड़ी हो। At times, आपको लोगों को देख के, उनके चेहरे से उनका व्यक्तित्व नजर आता है प्यार पे भरोसा है हाँ जी और म्यूजिक से आपका बड़ा गहरा नाता <laughs> <है। laughs> तो सबसे पहले तो यही बताइए कि म्यूजिक से रहा हुआ कैसे म्यूजिक से राबता एज इन मैं बचपन से ही गाती थी और आ, मम्मा की बड़ी ख्वाहिश थी कि मुझे सिंगर बनाए पर आ, जैसे जैसे बढ़ती चली गई यू नो इंटरेस्ट एक्टिंग में भी था वो जीन्स में था क्योंकि मम्मी पापा दोनों ही थिएटर एक्टर right. तो बाय चांस एक फिल्म आई और मैं बतौर एक्ट्रेस तो यू नो लॉन्च हो गई और बहुत सारे काम भी आने लगे पर मेन ये एक जो चीज़ थी वो थोड़ी मिसिंग रह गई थी ऐसा लग रहा था कि यू नो यू नो कोई एक गाना ऐसे तुक्के में गाया और आ, लोगों ने बड़ा प्यार दिया लोगों ने बहुत पसंद किया और आ, मैं भी सोचती थी कि भाई मम्मा की एक ख्वाहिश जो है वो छूट जा रही है तो क्यों ना ये ट्राई करते हैं तो एक गाना गाया जिसमें मैं पूरा का पूरा श्रेय देना चाहती हूँ मधुकर आनंद जी का मनोज कुमार मतलबी जी का जो कि लिरिसिस्ट हैं और म्यूज़िक डायरेक्टर मधुकर आनंद जी इन्होंने सबसे पहले यू नो स्टूडियो में ही हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे और वहाँ पे जिक्र किया कि भाई एक गाना बनाया है और सिचुएशन ऐसा था कि भाई अक्षरा से ही क्यों नहीं करा लेते हैं तो ये बात कही मधुकर आनंद जी ने और मनोज कुमार मतलबी जी ने कि आई थिंक ये सिचुएशन भी बहुत वैसा है और आ, गाने के लिरिक्स भी ऐसे हैं तो अगर अक्षरा को रखते हैं तो शायद ये गाने के लिए भी और बेनिफिशियल होगा वो तो कंपनी वाले और ये लोग सारे लोग मिलके प्लान किए उस गाने के लिए मैंने इनिशिएट नहीं किया था कि मुझे वो गाना गाना है या प्लीज़ गाना गवा दो ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं मुझे गुनगुनाते मधुकर जी ने कई बार सुना और पहली बार उन्होंने ऐसे तो हो गया की भाई गाना करते हैं और गाना रिकॉर्ड किया वो भी रातों रात सुपरहिट मेहनत तो बहुत की कि, कि, कितनी देर में पहला गाना रिकॉर्ड हुआ था आपका आई मीन एटलीस्ट दो घंटा तो लगा था दो घंटा अपना गाना पहली बार जब सुना आपने हाँ कैसा लगा लगा क्या, कमाल गाती हूँ या लगा कि कई बार हम अपनी आवाज सुनते हैं तो लगता है यार। नहीं मैं अभी भी खुद से सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मैं सीख रही हूँ मुझे नए कलाकार भी जब आते हैं ना तो उनके साथ भी मेरा यही होता है कि भाई मुझे सीखना है मतलब अगर आप में कोई एक अच्छी क्वालिटी है तो यू you नो know, जानना चाहिए सीखना चाहिए तो म, मैं तब भी वैसी थी कि यार कर तो लिया और अब भी वैसी तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं लगा लेकिन हाँ आई वॉज हैप्पी कि लोगों ने बहुत प्यार दिया मैंने जाके वीडियो में बहुत मेहनत की थी और यू नो अपना हंड्रेड परसेंट दिया था और हर कलाकार देता है एंड आई वॉज सो हैप्पी कि दर्शक ने एकदम घर घर पहुंचा दिया और लोगों ने बोला रहे सिंगर भी है सिंगर भी है सिंगर भी है सो आई वॉज हैप्पी म्यूजिक की बात छिड़ी है तो एक चीज जो अक्सर भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में खास तौर तो पर कही जाती है कि म्यूजिक वीडियो तो ज्यादा चल जाते हैं तो फिल्में नहीं चलती आपको क्या लगता है कि म्यूजिक गाने के चक्कर में या गाना गाने के चक्कर में आर्टिस्ट फिल्म पे ध्यान कम देता है या फिर सिंगर जबरदस्ती एक्टर बनने की कोशिश करता है इसलिए वो रिस्पॉन्स पहले से ही ये चला आ रहा है और यू नो पुरानी फिल्मों को उठा के देखे तो एकदम पुरानी तो वो सब तो चलती थी बट जब सिंगर का दौर चला कि सिंगर ही एक्टर बनेंगे तब भी सुपरहिट फिल्में यू नो तो थिएटर्स में पहुंची हैं और लोगों ने अथाह प्यार दिया है जिसके बहुत बड़े एग्ज़ाम्पल जुबली स्टार हैं अपने दिनेश जी और बैक टू बैक और भी सारे हीरोज़ हैं जिन्होंने बैक टू बैक बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं बट अभी का ट्रेंड बहुत ही अलग हो गया है चेंज हो चुका है सिंगर एक्टर तो बनना चाहता है लेकिन पूरी तरह एक्टर नहीं बन पाता है <laughs> ना इधर के हैं ना उधर के हैं तो ये वाला मसला है लेकिन यू you नो know, हर इंडस्ट्री में हर कोई कोशिश करता है कि किसी तरीके से बेहतर काम करे सो वी आर ऑन इट और और लोगों का नहीं पता बट आई एम आल्सो वर्किंग हार्ड एक चीज़ आपको लगती है कि दर्शक भोजपुरी का इतना बड़ा है दस स्टेट्स में समझी जाती है बोली जाती है आप एक गाना डाल दीजिए मतलब हर चीज को वो पार कर जाएगा मिलियंस इतने मिलियंस उतने मिलियंस लेकिन तब भी इंडस्ट्री वो ग्रोथ नहीं हासिल कर पाती जितना बड़ा इसका दर्शक वर्क है हाँ। अभी मैं आपका इंटरव्यू जब डालूंगा तो उसमें मतलब लोग इतना प्यार बरसाएंगे ना अच्छा। एक आपने एक राम भद्राचार्य जी के सामने एक भजन गाया था हाँ जी। आप मानेंगी कि उस छोटे से वीडियो को वायरल हो गया था वो इतना वायरल हुआ था इतना वायरल हुआ था, वो छोटा सा वीडियो सिर्फ तो जब इतना बड़ा दर्शक वर्ग है तो ट्रांसलेट थिएटर में क्यों नहीं होता? समय आपने कहा अभी छोटा सा वीडियो अभी आप मैं अगर बैठते हैं घर है। में हम लोग भी इतने मुशक्कत भरी आ, यू नो लाइफ जी रहे हैं दिन रात दौड़ते रहते हैं हमारे पास कब टाइम होता है कि हम यू नो मोबाइल लेके बैठें या टीवी जाके देखें या हम सिनेमा घरों में जाके फिल्में देखें तो अभी समय वैसा हो चुका है तो मैं पूरा का पूरा आ, यू नो गलत या उस तरीके का इल्जाम अपने दर्शकों पे नहीं लगाना चाहूंगी बिकॉज समय ही वैसा हो गया है कि यू नो हर कोई Attention अपने अपनी जिंदगी में हाँ जी और आप वही देखो रील्स क्विक व्यूज आते हैं बिकॉज बहुत टाइम स्पैम बहुत कम है और क्विक uh, में लोगों को सब कुछ चाहिए तो इसलिए भी शायद वो चीजें थोड़ी कम हुई हैं बट uh, जो लोग शौकीन हैं फिल्मों को देखने के वो लोग देखते हैं वो मोमेंट था कैसा आपके लिए जब आपने वहाँ भजन गाया था uh, how, how you felt that at that time? ऐसा लग रहा था मैं ईश्वर के सामने बैठी हूँ आपने अपना वो वीडियो देखा बार-बार आपकी आंखों के सामने है इंटरनेट तो आप भी बहुत चलाती हैं हां जी आप आप <laughs> मेरे घर आएंगे मेरे पास उनका दिया हुआ उन्होंने मुझे उपहार के तौर पे क्या शगुन के तौर पे कुछ पैसे दिए कि ये मेरी बेटी के लिए है और उसको मैंने फ्रेम करा के अपने घर में लगाया हुआ oh. है बिकॉज़ वो कनेक्शन मैं फील करती हूं उनके साथ मुझे ऐसा लगता है कि आ, बिना आँखों वाले उनको देवता स्वरूप ही कह सकते हैं जो आ, अच्छी चीज़ों का पाठ पढ़ाते हैं जो रामायण से लेके जि, जितनी भी यू नो अभी के चीज़ों में अभी के समय में जो कल्चर है वो चीज़ विलुप्त होते चला जा रहा है यू नो सब मॉडर्न और ये सारी चीज़ों में ज़्यादा हैं यंगस्टर्स भी नहीं जानते हैं कि भाई हम हमारे राम जी कहाँ से आए और यू नो बहुत सारी चीज़ें आजकल की यूथ उस उस चीज़ से बहुत पीछे है तो अगर कोई आ, इस चीज़ का पाठ पढ़ा रहा है तो हमारे लिए देवता स्वरूप है उससे कम नहीं तो मैं वही फील कर रही थी एंड आई वॉज़ लाइक मैं मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे मैं गा भी रही थी उन्होंने बहुत स्नेह बहुत प्यार दिया दुलार दिया और अब भी कभी भी मैं कॉल करूं या बात भी हो जाती है क्या दादा गुरुजी तो बहुत अच्छे से रिस्पोंड करते हैं ये बेहद बड़ी बात है हमारे जैसे छोटे कलाकार बहुत से कलाकार हैं जो वहाँ आना जाना करते हैं पर उनमें से अगर एक बेटी स्वरूप उन्होंने कह भी दिया ये मेरे लिए बेहद बड़ी बात है एक हीरोइन के लिए खुद को एस्टैब्लिश किए रखना अपनी शर्तों पर काम करना कितना मुश्किल है बहुत मुश्किल है आई मीन I mean, आप समझ सकते हैं कि पूरी एक दिशा में लोग चल रहे हैं एक तरफ चल रहे हैं और उससे एकदम कट के ऑपोजिट आपको चलना है तो आपको अकेले ही चलना पड़ेगा और वो अकेले चलना बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है उसमें बहुत मुश्किल मतलब देखने पड़ते हैं आ, कई बार लोग भी आपके अगेंस्ट हो जाते हैं कई बार क्या मेरे साथ तो हर कदम कदम पे हो जाते हैं बट right. उसको बैलेंस करके चलना आ, मैं you नो know, एक बार आपने अगर जहन में बैठा लिया कि आई हैव टू लिव माय लाइफ लाइक दिस तो चाहे डू एंड डाई आपको जीना ही है वैसे तो मैंने अगर मैं मैं अपना जीवन ऐसे ही जीती हूँ कि अगर मैंने कदम एक उठा लिया तो मैं उस पर ही चलूंगी तो सबका अपना अपना तरीका है जीवन जीने का काम करने का हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो यू uh, नो you know, एक तरफ हैं बट uh, मेरी मर्जी मुझे ऐसे जीना है एंड आई एम कह सकते हैं ना आई एम लकी ऑल्सो एंड रात में जब सोती हूँ ना बहुत चैन से बहुत सुकून की नींद ले पाती हूँ क्योंकि ऐसा लगता है कुछ भी इधर नहीं है बाकी तो लोगों का नज़रिया है दुनिया है लोग कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना लेकिन जब आप अपने आप को देखते हैं आईने के सामने तो बहुत सुकून मिलता है खुद को मोटिवेट कैसे रखती है ऐसे ही कुछ तो लोग कहेंगे लोगों, लोगों का लोगों का काम है कहना गूगल करती है अपने बारे <laughs> में कभी नहीं <laughs> कभी नहीं कभी नहीं मतलब मैं कुछ चेक ही नहीं करती क्या चल रहा अपनी पिक्चर आई है गाना है उसको भी नहीं चेक करती क... नहीं डेफिनेटली मैं जो काम करती हूँ उसको देखती हूँ लेकिन सालों पहले से मैंने कमेंट्स देखना छोड़ दिया है वो तो खैर मुझे लगता है बहुत लोगों ने छोड़ दिया बहुत लोगों ने छोड़ दिया है लेकिन Uh, कभी कभी मौका मिलता है तो ये भी बताती हूँ आपको देखती भी हूँ क्योंकि uh, मुझे ऐसा लगता है कि चंद बेवकूफ़ों के बीच में जो हमारे अच्छे लोग हैं उनको कैसे मिस कर दूँ तो मैं उनकी बातें भी uh, जानना चाहती हूँ तो मैं उनसे कमेंट पे कभी कभी बात भी कर लेती हूँ और uh, रही बात काम को देखने की तो डेफिनेटली आपको uh, uh, जो भी काम आप करते हो वो आपका आपके लिए बहुत प्यारा है तो मैं uh, कोशिश करती हूँ कि भाई मेरा गाना आ गया तो मैं देख लूँ नो बाकी जो समय मिले उस हिसाब से जब कोई ऐसी चीज लिखती है जो लगता है कि ये तो हुआ ही नहीं मतलब रूमर्स एक्टर्स के बारे में रूमर्स सबसे कॉमन है।, है।, आम है।, आम है।, आम है।, है।, मतलब तब तो क्या रिएक्शन होता है शुरू में क्या क्या रिएक्शन होता था और अब जब आप एज एन एक्टर बहुत मेच्योर हो गई हैं आप सोशल मीडिया समझने लगी तब क्या रिएक्शन होता है आई I मीन mean, uh, uh, again, आप फिर से जब आप

Uh, मेरे लिए तो ज़िंदगी खत्म हो गई अगर उसने बोल दिया कि इसने ऐसा किया है दैट मीन्स लोग तो यही समझेंगे तो मैं पहले लोगों में रहती थी कि लोग क्या कहेंगे वो ऐसा होगा वो ऐसा होगा कमेंट में किसी ने गाली दे दी मुझे ऐसा लगता था वो गॉड अगर ये मेरे पेरेंट्स देखेंगे तो उनको कैसा लगेगा या मेरे जानने वाले देखेंगे तो क्या? तो मैं पहले इन चीज़ों में थी जब धीरे धीरे uh, कदम दर कदम आगे बढ़ती चली गई एक्सपीरियंस होते चले गए धक्का लात पढ़ते चला गया तब असली समझ में आया कि असल जीवन है क्या आपको किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना है किस को नहीं करना है तो अभी इस वाले जोन में हूँ तो अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या ही र्यूमर्स आ रहा है या क्या हाल फिलहाल निम्न स्तर की बातें भी आई थी बट वो सुन के वो देख के मुझे ऐसा लगा था कि आई I मीन mean, मुझे रोकने की चारों तरफ से कोशिशें यू you नो know, जारी रहती हैं हर दिन चाहे वो आ, फैंस का एक ग्रुप होगा यू नो अन्य लोग अभी या हाँ जी हाँ जी कुछ ना कुछ तो होते चला जाता है या कुछ you नो know, वीडियो क्रिएट करना या फोटोज बनाना या जो भी बट वो सच ही नहीं है तो मुझे क्या ही फर्क पड़ता है और अगर वो सच भी है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है hmm. आप बनाते रहिए अपनी बातें हम अपने मिजाज में रहेंगे हम अंदर से हमको पता है हम क्या है मेरे माता पिता जानते हैं क्या है थोड़ी देर के लिए इफेक्ट की थी वो चीजें और मैंने जब पापा ने पूछा क्या हो गया तो मुला देखिए अभी ऐसी ऐसी बातें आ गई पापा और बड़े पोर्टल्स से उसको उठा रहे हैं बिना कंफर्मेशन के बिना किसी कंसेंट के आप किसी आर्टिस्ट से पहले पूछते हैं कि भाई आपने आपका ऐसा है कि नहीं आपने ऐसा किया कि नहीं फिर भी लोग अगर उठा रहे हैं दैट मीन्स लो, लोगों तक अगर पहुंचेगी तो हमारी ऑडियंस सीधी है उनको तो ऐसा लगेगा कि अरे दैनिक जागरण ने या वट मैं किसी ना किसी का नाम नहीं लेना चाहती जो भी बड़े पोर्टल्स हैं वो अगर उठाते हैं तो लोगों तक ऐसा हो जाएगा कि ये सच ही है पापा ने बोले क्या तुच्चों में पढ़ी हो किन टुच्चों की बातों में पढ़ी हो किस किस बात से इफेक्ट लगा रही हो अपने आप को क्या वो सच है तो तो क्या फर्क पड़ रहा है तो उन्होंने पीठ पे एक थप थपाया मुझे जोर से और उनका थप थपाना बहुत भारी भरकम होता है और बोला चल काम पे लगो ये सब फालतू टाइम इतना गवाने का नहीं है चुपचाप काम पे ध्यान देने का है लोगों का काम है वो बोलेंगे उन्हें वो कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा मेरी तरफ से बहुत स्टाइलिश है

I mean, मैं मैं कोई किसी का नाम नहीं लूँगा किसी कोई सवाल नहीं करूँगा बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आ, इतना तवज्जो मुझे दे रहे हैं और इतना स्पेस दे रहे हैं हर कोई इतना स्पेस नहीं देता है थैंक यू सो मच आपकी इंसानियत को और आ, मैं आ, यही कहना चाहूँगी इस बारे में कि एट टाइम्स आपको भी जिंदगी का तकाजा होगा मुझे भी धीरे धीरे बढ़ती उम्र में पता लगता है लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं एट टाइम्स आपको लोगों को देख के उनके चेहरे से उनका व्यक्तित्व नजर आता है वो आपको पता लग जाता है कि ये कैसा होगा यार तो मैं ज़्यादातर वैसे फैंस पे विश्वास रखती हूँ वैसे लोगों पे विश्वास रखती हूँ कि उनको पता है कि मैं क्या हूँ उनको पता है कि मैं कैसी होंगी तो मुझे कुछ भी डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे नहीं बताना है कि मैं अच्छी हूँ कि बुरी हूँ कि मैं क्या हूँ आई एम हैप्पी विद माई लाइफ जिनको जानना होगा वो जानते हैं और जानते रहेंगे आखिरी सवाल प्यार पे भरोसा है अच्छा? क्यों नहीं है प्यार पे दुनिया टिकी है और यू नो एक्सपीरियंसिस आपको बदलते ज़रूर हैं uh, आपका नज़रिया बदलता ज़रूर है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार आखिरी होता है प्यार ही है जो आपको हमें हमारे परिवार को या और भी आपके फ्रेंड्स भी होंगे जो जोड़ के एक दूसरे को रखता है तो प्यार खत्म नहीं है

For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.